साथियों एग्री पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अनीस आप लोगों के लिए एक और सिलेबस की वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम कृषि वनस्पति विज्ञान जो हमारी एग्रीकल्चरल बॉटनी होती है उसका सिलेबस जो क्लास 11th में हमारी पढ़ाई जाती है एकदम न्यू सिलेबस 2023-24 का देखने वाले हैं। और यहीं से 100 अंक का आएगा बोर्ड परीक्षा 2024 में। और कहां से आएगा बताइए, यही पूरा सिलेबस है तो आएगा तो सिलेबस में से ही। तो इसका मतलब है यहीं से पूरा आपका आने वाला है बोर्ड परीक्षा 2024 में। और ये जो है एकदम मैंने सही लिखा है, पढ़ो और करो यूपी टॉप, ये एकदम सही लाइन मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। सिलेबस है इसी में से पढ़ेंगे तभी तो टॉप करेंगे। और यहाँ पे एक और लाइन मैंने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है गोल्डन टाइम फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये भी एकदम 100% सही बात है, क्योंकि अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज ही आप लोग की वीडियो मिल जाएगी 5 जुलाई 2023। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 जुलाई 2023 में। और जैसा कि आपको पता है 1 जुलाई से आपका जो है विद्यालय ओपन हुआ है, तो यही गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। अगर इस समय से आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं अच्छी तरह से तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है और आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे 2024 के बोर्ड परीक्षा में। तो सिलेबस हम शुरू करने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ कि इस बार आपको 100% सिलेबस पढ़ना होगा, पिछली बार की तरह नहीं। जैसे 2019 से 2023 तक की परीक्षाओं में 70% पाठ्यक्रम से आता था, लेकिन इस बार 100% आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। क्या है सिलेबस में, इसमें देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि वनस्पति विज्ञान कक्षा 11 द्वितीय प्रश्न पत्र सिद्धांत 50 अंक 15 अंक, ठीक है, इकाई 1। तो यही है ये थ्योरी जो इसमें आपका थ्योरिटिकल पेपर होता है 50 अंक का, उसका पहले यहाँ पर दिया गया है सिलेबस क्या आना है। इकाई इसमें काफ़ी सारी इकाइयाँ दी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 5 इकाई है दी हुई है। और 11th एग्रोनॉमी में 4 इकाई, 12th एग्रोनॉमी में 6 इकाई, ऐसे ही। और इंजीनियरिंग में 7 इकाई, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इसमें आपकी 5 इकाई दी हुई है। तो चलिए पहली इकाई देख लेते हैं क्या दे रहे हैं यहाँ पर सिलेबस में। यहाँ पर 6 भागों में है, पहला वनस्पति पादप अंगों की बाह्य आकार की मूल स्तंभ और पौध उनके कार्य और रूपांतर, यानी जो पौधे के बाह्य आकार की या जिसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। मूल यानी आपकी जड़ होती है उसके बारे में पढ़ना है, स्तंभ यानी तना, पौध यानी पत्ती के बारे में, और उनका जो मॉडिफिकेशन होता है रूपांतरण उसके बारे में। जैसा कि जड़ का हमारा होता है एडवेंटिटियस, उसका एक होता है मॉडिफिकेशन और एक आपका टैप रूट होता है इसका। ये दोनों जड़ के प्रकार होते हैं एडवेंटिटियस रूट और टैप रूट, और इसके मॉडिफिकेशन भी आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे स्तंभ यानी तना होता है, तो तने के भी जैसे आपको पता है सब एरियल, अंडरग्राउंड और एरियल होता है। और पौध यानी पत्ती के बारे में भी आपको यहाँ पढ़ना होगा, जैसे सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ होता है तो वो, और उनका रूपांतरण। और दूसरा है पुष्प की संरचना तथा उसके उनके विभिन्न भागों का कार्य, पुष्पक्रम के विभिन्न प्रकार प्रारूप, पुष्प के बारे में पढ़ना है, एंथोलॉजी के बारे में, और उसके विभिन्न कार्य पुष्प के क्या होते हैं वो पढ़ना है, पुष्पक्रम के विभिन्न प्रारूप जो हमारा इनफ्लोरेसेंस होता है उसके भी प्रारूप आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। जैसा कि 4 प्रकार का देखने को मिलता है, रेसिमोज, साइमोज और मिक्स्ड और स्पेशल। और रेसिमोज में भी आपका 5 प्रकार का होता है, रेसिम, स्पाइक, स्पेडिक्स, कैटीन, स्पाइकलेट, ऐसे होते हैं और वही सब आपको पढ़ने होते हैं। और जैसा कि आपको पता है साइमोज में भी आपके ऐसे ही होते हैं, कैंडी टफ्ट होता है, आइबेरिस हमारा, और आपका जो मिक्स्ड में आपका इसी प्रकार से आ जाता है मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम हेड, ठीक है। और स्पेशल में आपका 4 प्रकार का पुष्पक्रम आता है, स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस में वर्टिक्लस्टर, साइथियम और स्कैपियरस, इसी प्रकार से आपके 4 देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद से हमारा पहले सिलेबस जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर है परागण, परागण का प्रारूपिक अध्ययन विधि तथा क्रियाविधि, निषेचन क्रियाविधि का अध्ययन एवं द्विनिषेचन का महत्व, फल के प्रारूप उनके कार्य तथा प्रकीर्णन,
और छठवां है बीज की संरचना तथा अंकुरण। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री बीजों का प्रारंभिक अंकुरण, जैसा कि दो प्रकार का जर्मिनेशन देखने को प्राय मिलता है, इपीजियल और हाइपोजियल, और एक स्पेशल टाइप का जर्मिनेशन होता है वीविपेरस जर्मिनेशन, तो वो सब आपको यहाँ पर पढ़ना होगा और बीज की संरचना भी पढ़नी होगी, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। उसके बाद दूसरा आपकी इकाई यहाँ पर देखने को मिलती है आपको, अंत आकार की वनस्पति कोशिका संरचना, कोशिका के अंतर्वस्तु कोशिकीय विभाजन, सूत्री विभाजन, माइटोसिस एवं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस जिसको कहा जाता है, कोशिकाओं का ऊतक के रूप में संगठन तथा विभिन्न ऊतकों के कार्य, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मूल स्तंभ तथा पौध की आंतरिक आकार की द्विबीजपत्री स्तंभ और मूल में द्वितीय सेकेंडरी ग्रोथ, इस पर आपको 10 अंक मिलते हैं। ये सभी इकाइयाँ आपकी 10 अंक की होती हैं, 10 अंक की इकाई 1, 10 अंक की इकाई 2, 10 अंक की इकाई 3। और तीसरी इकाई में हम देख लेते हैं, तीसरी इकाई में आपकी पहला है पादप शरीर क्रिया केवल प्रारंभिक अध्ययन, दूसरा में क है जल का पौधों द्वारा अंतर्ग्रहण मूल की संरचना, इसमें ख है वाष्पोत्सर्जन तथा मूलीय दाब उसका कार्य और महत्व, ग कार्बन स्वांगीकरण रंध्रों की संरचना और कार्य, कार्बन स्वांगीकरण की दक्ष कार्य क्रिया में सहायक कारक, घ है प्रकाश संश्लेषण एवं पौधे खाद्य पदार्थों का संग्रह एवं स्थानांतरण, र है श्वसन के प्रारूप और कार्य। चौथी इकाई है, इसमें आपको 10 अंक, चौथी इकाई में आपको 8 अंक दिए जाते हैं। वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान और वनस्पति जगत का प्रारंभिक परिचय, जहाँ तक संभव हो सके क्षेत्रीय उद्यान के सामान्य पौधों के वनस्पति लक्षणों का अध्ययन, ग्रेमनी क्रूसीफेरी लेगुमिनेसी कुकुरबिटेसी सोलेनेसी मालवेसी फूल के बारे में, ये उस पर आपको 8 अंक दिए जाते हैं। जैसे ग्रेमनी का नया नाम आपका हो जाएगा पोएसी, क्रूसीफेरी का आपका नया नाम हो जाएगा ब्रेसिकेसी, और लेगुमिनेसी का दूसरा नाम होता है फेबेसी, और सोलेनेसी कुल का अलग नया मतलब दूसरा नाम होता है नाइट सेड फैमिली, तो इस पर आपको 8 अंक दिए जाते हैं। और लास्ट इकाई जो आपकी पांचवी इकाई है, इस पर आपको 7 अंक दिए जाते हैं। इसमें है आपका सूक्ष्म जैविकी का जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी होती है सूक्ष्म जैविकी, उसका प्रारंभिक अध्ययन, इसमें हमको क वायरस, ख ब्लू ग्रीन एल्गी, ग फंजाई, घ बैक्टीरिया, ड जंतु सूक्ष्म आपको पढ़ना सूक्ष्म जंतु के बारे में। तो ये आपकी थ्योरी होती है 50 अंक की। अब प्रैक्टिकल यहाँ पर 50 अंक का होता है वो भी देख लेते हैं, इसमें भी देखते हैं क्या दिया गया है, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिलेबस इसका भी हम देख लेते हैं जो प्रैक्टिकल, चूंकि प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, वो भी 50 अंक का आता है आप लोगों के लिए, तो उसका भी डिस्कशन करना जरूरी है, उसका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें पहला है प्राथमिक अंगों के बाह्य आकार की का अध्ययन करने के लिए नवोद्भिद का परीक्षण, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो मूल स्तंभ तथा पौध के विभिन्न प्रारूपों के भागों और रूपांतरों का अध्ययन, और तीसरा हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग, चौथा हो जाएगा प्राकृतिक एवं बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री मूल और स्तंभ का अभिरंजन अभ्यास के साथ मुक्त हस्त काट कटिंग, जो उसकी काट होती है अनुप्रस्थ काट, उसके बारे में, और पांचवी हो जाएगी बीज का अध्ययन बाह्य आकार की तथा आंतरिक विभिन्न प्रकार के अंकुरण, छठा हो जाएगा फलों तथा बीजों का परीक्षण और अभिज्ञान आर्थिक एवं कृषि महत्व, सातवां हो जाएगा पादप शरीर क्रिया के वाष्पोत्सर्जन, कार्बन स्वांगीकरण, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन से संबंधित साधारण प्रयोगों के प्रदर्शन, आठवां हो जाएगा पुष्पों और उनके भागों का परीक्षण विच्छेदन और वर्णन, नवां हो जाएगा पाठ्य विशेष में दिए हुए फूलों के समान क्षेत्रीय उद्यान और पौधों और आपतृण के वाह्य वानस्पतिक लक्षणों का अध्ययन, दसवां हो जाएगा पादप संग्रह यानी प्लांट हर्बेरियम हो जाएगा पादप संग्रह, ग्यारहवां हो जाएगा ग्रेमनेसी कुल कुकुरबिटेसी कुल मालवेसी कुल का वर्णन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे हमारा जो है जो बुक यानी संस्तु जो उस कोई बुक यहाँ पर संस्तुत नहीं की गई है उसी के बारे में बताया जा रहा है, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको क्या दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर दे रहे हैं पुस्तकें, कोई पुस्तक निर्धारित और संस्तुत नहीं की गई है, विद्यालय के प्रधान अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप उपयुक्त पुस्तक का चयन कर लें। हमारे यूपी में मेनली दो पुस्तकें देखने को मिलती हैं, एक ज्ञान पब्लिकेशन की और एक भारत भारती की, तो इसमें से आप कोई पुस्तक प्रेफर कर सकते हैं उसको ले लीजिए, और ज़्यादातर आपको भारत भारती की ही देखने को मिलती है, और कहीं कहीं आपको ज्ञान पब्लिकेशन भी देखने को मिल जाता है, तो इस दोनों में से कोई बुक आप ले सकते हैं। उसके बाद से हमारा प्रैक्टिकल का जो
सारणी होगी कहाँ पे कितना अंक दिया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे समय 4 घंटे की होती है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 16 नंबर का पासिंग मार्क होता है, अधिकतम 50 अंक। जैसा कि थ्योरेटिकल में आपका 17 अंक का पासिंग मार्क होता है और इसमें प्रैक्टिकल में 16 नंबर का 33 नंबर का होता है कुल पासिंग मार्क 100 में से, ठीक है। तो वह परीक्षक द्वारा मूल्यांकन, उनके हाथ में 25 अंक होता है, तो वह है वस्तु पहचान पर 7 अंक, मौखिक यानी जो वाइबल लेंगे उस पर 8 अंक, किसी एक फूल तथा पौधे की पहचान पर 5 अंक और जड़ों की अनुप्रस्थ काट एवं रंगीन स्लाइड पर 5 अंक, ये आपके 25 अंक हो जाएंगे। उसके बाद से आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन जो 25 अंक का होता है, इसमें अभ्यास पुस्तिका पर 8 अंक, वनस्पति कार्य परीक्षण पर 10 अंक, प्रोजेक्ट फाइल पर प्रोजेक्ट पर 7 अंक, कुल 25 अंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा हो जाएगा यहाँ पर नोट, कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, अभ्यास पुस्तिका एवं प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थियों द्वारा परिषदीय प्रयोगात्मक परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो परिषदीय प्रयोगात्मक परीक्षा जब आयोजित की जाएगी तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल ले जाना होगा। और फिर यहाँ पर एक और जानकारी दी गई है, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु जो विद्यालय प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे उन विद्यालयों के संबंधित विषय के अध्यापक प्रधानाचार्य द्वारा आंतरिक परीक्षक रूप में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को 50% अंक दिए जाएंगे, शेष 50% अंक वाय परीक्षक द्वारा देय होंगे। तो यही आपका पूरा सिलेबस था 11th बॉटनी का, कृषि वनस्पति विज्ञान 11th का एग्रीकल्चरल बॉटनी, जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। और मैं यहाँ पर आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने 4 वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं अपने चैनल पर, 11th एग्रोनॉमी का सिलेबस, 12th एग्रोनॉमी का सिलेबस और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का सिलेबस और एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस का सिलेबस, और ये आपका हो गया, तो वो भी आप देख सकते हैं उसमें से। अगर क्योंकि कैसे पढ़े से इम्पोर्टेंट होता है क्या पढ़े, तो इन सिलेबस से हमको वही पता चलेगा क्या पढ़े जो आपका बेस का कार्य करेगा, तो आप उसे देख सकते हैं। और फिर जैसे एग्रोनॉमी की जो क्रॉप्स होती हैं, मैंने 2 वीडियोस आप मेरे चैनल पर ही देख लेंगे आपको मिल जाएगी, उसमें मैंने 1 वीडियो में 16 क्रॉप को, 1 वीडियो में 19 क्रॉप को, पूरी 35 क्रॉप को मैंने कवर कराया है, तो उन फसलों का आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, उसको आप देख लें, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जब आपको 11 जुलाई को जनरल हिंदी के सिलेबस की वीडियो मिलेगी तो उस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं, उसको भी आप देख लें, ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें आप, उससे हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके 1 लाइक से। और कमेंट में बताएं अगर कोई क्वेश्चन है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर लीजिए, उससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जब भी वीडियो आएगी। तो ठीक है, मिल लेते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।